दोस्तों, क्या आपका कंप्यूटर में सी ड्राइव भर गया है और आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कंप्यूटर में सी ड्राइव का स्पेस कैसे खाली कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल ऐप। ओके, यहाँ पर कंट्रोल पैनल ऐप को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ओके, तो कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होता है वो एक तरह से मेन ड्राइव होता है, जहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो 10 हो गया या फिर विंडो 7 हो गया या फिर विंडो 11 हो गया, जो भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसे हम सी ड्राइव में रखते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए हमारे लैपटॉप में यहाँ पर पड़ा हुआ है और 99 GB का जो है स्पेस इसमें था, जिसमें से 77 GB जो है फ्री है और बाकी जो इसमें जो पड़ा हुआ है डाटा वो हमारा जो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेनली जो है हमारा विंडो सी होता है, जो सी ड्राइव होता है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। तो ये भर जाएगा तो आपका लैपटॉप जो है हैंग करने लगेगा। तो विंडो 10 में जो सी ड्राइव होता है उसका स्पेस बढ़ाने के लिए हमें इसको समय समय पर क्लीन करना होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिंपली। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो है हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया, उसके बाद से यहाँ पर गया सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखाई देगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखाई देगा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कई सारे मतलब डाटा दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क क्लीनअप। ओके, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आपको पहले ही जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखाई देता है तो फ्री अप डिस्क स्पेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव का स्पेस बढ़ाने के लिए सिंपली आप फ्री अप डिस्क स्पेस एंड डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर ड्राइव भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फ्री अप डिस्क स्पेस पर क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ड्राइव सिलेक्शन बोल रहा है। तो हमें जो है सी ड्राइव का जो है स्पेस बढ़ाना है तो हम यहाँ पर सी ड्राइव को चुनाव कर रहे हैं, अदरवाइज हम चाहें तो डी ड्राइव का भी चुनाव कर सकते हैं, ई ड्राइव का भी चुनाव कर सकते हैं। ओके, तो हमें अपने पीसी में सी ड्राइव को खाली करना है। ओके, सिंपल सी चीज़ है, तो हम यहाँ पर सी ड्राइव को चुनेंगे, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सी ड्राइव को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है देखिए इस तरीके से सामने आ गया है और यहाँ पर मतलब डिस्क क्लीनअप का कुछ ऑप्शन, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इसको यहाँ पे, तो अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यू कैन यूज डिस्क क्लीनअप टू फ्री अप टू 1.5 GB ऑफ डिस्क स्पेस ऑन विंडो 10 सी ड्राइव। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अदर यहाँ पर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल वगैरह है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ओके, ऑल क्लियर है, यहाँ पर टेम्प्रेरी फाइल पर क्लिक कर लीजिए, रिसाइकल बिन में जो चीज़ें हैं उसको क्लिक कर लीजिए। ये उसके बाद से हम यहाँ पर सिंपली जो है क्लीन सिस्टम फाइल पे भी क्लिक करके हम यहाँ से अपना जो सी ड्राइव उसको खाली कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। अभी ये जो है चीज़ें यहाँ पर देखिए, डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन विंडो 10 सी ड्राइव, दिस मे टेक ए फ्यू मिनट टू कम्प्लीट। मतलब दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव को खाली करना चाहते हैं या फिर सी ड्राइव का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब 1-2 मिनट 3 मिनट, और जिसका मतलब लैपटॉप में जो सी ड्राइव है बहुत ज़्यादा उसमें डाटा भरा हुआ होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जिनके लैपटॉप में जो सी ड्राइव है ज़्यादा मतलब भरा हुआ नहीं होगा, आधा अगर भरा हुआ है आधा खाली है तो अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव का स्पेस आसानी से बढ़ जाएगा। और देखिए तुरंत 2 मिनट में ही ये खत्म हो गया। आपको कंप्यूटर में सी ड्राइव को फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है जब इस समय फिलहाल, तो पहले के मतलब सिस्टम में फॉर्मेट किया जाता था लेकिन अभी अब लैपटॉप में जो है फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर रिसाइकल बिन पे भी देखिए फिर से यहाँ पर 297 GB है, यहाँ पर ओके कर लीजिए। ठीक है, उसको बोल रहा है कि और यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम फाइल्स। ओके, तो डिलीट फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद से ये जो फाइलें हैं वो जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगी और आपका जो सी ड्राइव है वो क्लीन होता हुआ दिखाई देगा। ओके, जो डाटा है पीसी का उसमें भी जो टेम्प्रेरी फाइल होती है वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे रिसाइकल बिन में तो कोई भी डाटा नहीं है। ओके, यानी कि यहाँ से भी सारी फाइलें हट गई है क्योंकि ये सभी जो है सी ड्राइव में जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में सी ड्राइव का स्पेस कैसे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।